नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त बिजनेस ट्रेनर प्रमोद राठौर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लाइफ चेंज विद प्रमोद राठौर। दोस्तों, मल्टी लेवल मार्केटिंग में सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है, मेरे बहुत से भाइयों ने मुझे फ़ोन किया है, मुझे मैसेज किए हैं, व्हाट्सएप किए हैं, इंस्टा पे किए बात की है कि सर बेसिक्स को समझाइए। जब हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में मोदी केयर में आ तो जाते हैं, पर हम स्टार्ट कैसे करें, बेसिक क्या है। तो आज जो नींव है बिजनेस की, मैं वहाँ से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मेरे जो डे बाई डे वीडियो आएंगे तो वहाँ से आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिलेगा कि हम ज्वाइन तो हो जाते हैं पर हम बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले तो आपने गोल सेट करिए। मैंने एक वीडियो आपको दिया है कि अपना गोल सेट कैसे करें। जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा, आपका टारगेट नहीं होगा, आपका लक्ष्य नहीं होगा, आपका बिजनेस करने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो दोस्त, पहली सीढ़ी है लिस्ट, कि इस प्रकार हम लिस्ट बनाएं कि ज्वाइनिंग की झड़ी लग जाए, लाइन लग जाए। तो दोस्तों, अगर ये सीखना चाहते हो तो इस वीडियो की लास्ट तक आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ। अगर लास्ट तक नहीं रहते हो तो अभी इस वीडियो को बंद करिए। जब आप बिल्कुल फ्री हो जाएं तो हमारा ये वीडियो आप प्ले करके देखें, और एक बार नहीं दो बार देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये हमारा वादा है आपसे। तो दोस्त, जो नए हमारे मेहमान हैं, हमारे चैनल पे विजिट किया है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं दैनिक वीडियो अपलोड करता हूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो दोस्त, बात करता हूं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में जब तक आप बड़ी सी लिस्ट नहीं बनाते, तब तक आप कामयाब नहीं होते हैं। और लिस्ट को बनाइए बिना हिचकिचाहट के, नाम लिखिए जिसका याद आ जाए। मैं पूरे तरीके बताऊंगा कि कैसे करके आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली बात ये आती है दोस्त कि लिस्ट क्या जरूरी है, लिस्ट जरूरी है क्या सर? आप लोगों का सवाल ये होता है कि सर, हम अगर लिस्ट को नहीं बनाते हैं तो क्या हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे? जी नहीं। जिस प्रकार आप एक मकान बनवा रहे हो, घर बनवा रहे हो, मोरम, गिट्टी, सरिया, सीमेंट, यानी कि रॉ मटेरियल आपके पास नहीं होगा तो आप एक सुंदर सा घर कैसे बना पाएंगे? यहां पर एक सुंदर सी टीम, एक्टिव टीम आप कैसे बना पाएंगे? जब तक आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, आपके पास लोगों के नाम नहीं होंगे, तो आप ये काम कैसे कर पाएंगे? अब आपको लिस्ट बनानी है, तीन कैटेगरी में बनानी है। सबसे पहले तो आपको एक रफली लिस्ट बनानी है, फिर फेयर करनी है, फिर सिटी वाइज करनी है। अब मैं बात कर रहा था रफली लिस्ट की। पहला काम, आप रफली एक रजिस्टर ले लीजिएगा, सस्ता सा, और जिन जिन के नाम पता है 18 साल से ऊपर वालों के, भैया उन सब का नाम लिख लो, चाहे आपके मित्र हों, पड़ोस पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, क्लासमेट हों, सहेली हों, दोस्तों, अंकल हों, आंटी हों, भैया हों, भाभियाँ हों, किटी पार्टी में आपके मिलने वाले लोग हों, बास्केटबॉल खेलने वाले हों, क्रिकेट मैच खेलने वाले हों, जिस क्षेत्र में आप हैं और आपको उनका नाम पता है तो आप उसमें आप लिख डालिएगा दोस्त। फिर आप एक डायरी ले लो, बढ़िया सी सुंदर सी डायरी ले लो, और उनमें किन के नाम चढ़ाने हैं, उनमें चढ़ाने हैं दोस्त जिनका जिनका पूरा पता ठिकाना निकालते जाएं, कहाँ के रहने वाले हैं, किस सिटी के रहने वाले हैं, इनका मोबाइल नंबर क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, सैलरी कितनी है, कमाते कितना है, वो सब लिख डालिए दोस्त उसमें। आओ फिर तीसरी कैटेगरी में जाना है, लिस्ट को करना है सिटी वाइज। मैं आपके टाइम को बचा के दूंगा, एक ऐसा आपको तरीका बता रहा हूं जिसने अभी तक किसी ने नहीं बताया, जिससे आप सिटी वाइज अगर कर लेंगे तो जब भी आप जा रहे हैं तो एक राउंड फिगर में जाइए। राउंड फिगर में जब आप जाएंगे तो दोस्त आपका टाइम बचेगा, क्योंकि एक जगह जाएंगे तो चार जगह आप विजिट करके आएंगे। एक शहर जाएंगे तो वहीं से वापस नहीं आना है, वहीं से अगर लगा हुआ 10-20 किलोमीटर के लिए हम दूसरा शहर है तो वहाँ पे जाके विजिट करिए। जब भी एक दो दिन में वापस आए तो उस पूरे राउंड फिगर में विजिट करते हुए आए। अब आप ये कहोगे कि भैया इतने सारे नाम लाएं कहाँ से, लिस्ट साहब बनाएं कैसे? हमें मालूम है आप मुझे फ़ोन करके कहोगे,
मैसेज करोगे। तो दोस्त सबसे पहले तो जो सेल फोन आपने अपने पॉकेट में रख रखा है, जो आपके हाथ में है, इसको निकालिए। और इसमें मेरी समझ में 1500 नाम तो होंगे, लिख डालो बिना हिचक के। और जब उसमें नाम है तो नंबर आपके पास है ही है या नहीं। अब आप अगर उन्हें भूल भी गए हो तो एक बार लगाओ फोन, कर लो पता, क्लियर कर लो कि भैया मेरे दिमाग से उतर गया है, प्लीज बताएंगे थोड़ा सा। फिर डायरी बना डालो बढ़िया से, सिटी वाइज कर ही लिया आपने। अब आपने वोटर लिस्ट अगर आपके यहाँ है मोबाइल के बाद, वोटर लिस्ट अगर मिल जाए आपको आपके एरिया की, तो तुरंत उठा लो। और जो परिचित कर लगता जाए, क्यों लिस्ट तो आपके पास है ही है, जो परिचित का दिखे उसका नाम आप लिख लो। कहीं आप शादी पार्टी में गए हो तो दिमाग दौड़ाओ कि हाँ फलां यार कौन कौन मिला था, फटाक से उनका करो। एल्बम उठा लो, शादी के एल्बम उठा लो, अपनी भैया की, भाभी की, मम्मी की, पापा की, बहन की, किसी की मिल जाए एल्बम उठाओ, वहाँ से लोग मिलेंगे आपको। शादी कार्ड देखो कितने आए हैं आपके, साल दो साल में रखे रहते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे फोटो छपे होते हैं, अब रख लेते हैं हम लोग, तो उनको भी खंगाल डालो। यहाँ से आपकी बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी, मेक ए बिग लिस्ट दोस्त। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी, आप उतने ही जबरदस्त, उतने ही जल्दी कामयाब होंगे। अब आपने लिस्ट बना ली, आपने फेयर लिस्ट बना ली, आपने सिटी वाइज कर लिया, अब आप जो है उस लिस्ट को वास्तविक धरातल पर उतारें। दोस्त रिसोर्सेस आर नॉट ही बिकम टू द ह्यूमन कोऑपरेशन, संसाधन होते नहीं है, मनुष्य उनको बनाता है। जिस प्रकार नदी में बहता हुआ पानी संसाधन नहीं है, पर उसको चैनलाइज करके, मोड़ करके अगर एक बिजली बनाने का संयंत्र लगा दिया जाए तो संसाधन बन जाता है। नहर बनाकर सिंचाई के प्रयोग में ले लिया जाए तो संसाधन बन जाता है। लिस्ट तो बना ली, पर उसको वास्तविक धरातल पर आपको उतारना है। और सबसे बड़ी बात तो है, आप भविष्य वक्ता नहीं बने कि हाँ यार ये जो भाभी है ना ये नहीं काम कर पाएगी यार, ये वो अंकल जी है ना उन्हें बड़ा ईगो है यार वो काम नहीं कर पाएंगे। हाँ राकेश से बात करता हूँ वो कर लेगा। इसमें आप छोड़ देते हो और पता चलता है कि थोड़े बहुत दिनों में वो आके आपसे मिलता है, यार भैया हम तो क्राउन डायमंड, आप क्या कर रहे हो। तो बड़ा अंदर से फील होता है यार कहाँ हमने छोड़ दिया था अपने युगो के चक्कर में, अब ये इस बंदे ने आके साहब हमें ही दिखा रहा है प्लान। तो भैया छोड़ना किसी को नहीं है, हर एक के पास विजिट करना है दोस्त। हमारे हाथ में कटोरा है, अगर कोई डालेगा नहीं उसमें तो कुछ उठा भी नहीं लेगा। ईगो छोड़िए, जब हम निकले ही हैं इस काम पे तो दोस्त क्या महंगा क्या सस्ता, क्या अंकल क्या आंटी, क्या भैया क्या भाभी, जब हमें काम ही करना है, एक धुन सवार हो जाए अपने दिमाग में, सटक जाओ यार कि हमें तो कामयाबी से कम में समझौता नहीं है। सो द प्लान, सो द डेमोस्ट्रेशन। कोई आपको रोकने वाला, आपकी कामयाबी को रोकने वाला पैदा नहीं होगा। दोस्त बड़ी लिस्ट के साथ, बड़े सपने के साथ बड़ी लिस्ट बनाई आपने, अब बड़ी लिस्ट के साथ आप एक और अपना फार्मूला बना डालो कि दोस्त मुझे इतने दिन में इतने प्लान दिखाने हैं, साल में कितने दिखाने हैं, 6 महीने में कितने, 3 महीने में कितने, महीने में कितने, फिर दिन में कितने। जब आप ये अपना एक गोल बनाएंगे, एक गोल सेट करेंगे, तो लिस्ट पे आपका यथार्थ काम होगा। अब दादा जितनी बड़ी आपकी लिस्ट, लास्ट टाइम मैं कहने वाला हूँ, लास्ट पॉइंट है ये, सुनते जाइएगा, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतनी जल्दी आप GVDD होंगे मोदी केयर में, मेरे इस बात को लिख लीजिएगा। तो दोस्त क्या लिस्ट बनाओगे?
कितनी बड़ी बनाओगे दोस्त। मेरी ये बातें आप लिख लीजिएगा और जब आप कामयाब हो जाएं तो मेरा नाम एक बार जरूर लीजिएगा कि प्रमोद जी ने कहा था साहब। दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है यार, लाइक करो, और लाइक कर रहे हो तो शेयर भी कर दो। और साथियों मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो मेरा ये वीडियो आपको भेज रहा है, आपसे बात कर रहा है यार, उससे उसका MCA नंबर भी पूछ लो और समझ लो फ़ोन पे बैठ के। मेरा अगला वीडियो आएगा कि फ़ोन पे समझाएं कैसे, वेट करिएगा उस वीडियो को। फ़ोन पे समझ लो, झट से ज्वाइन करो, क्योंकि मोदी कैसे अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म आज की डेट में भैया है नहीं। आप जो भी बनाते हो बनाते रहिएगा, क्योंकि ये कंपनी कब से चल रही है और लगातार अग्रेसर है, बस यही तसल्ली है दिल में यार। देखो साहब, सफलता का कहीं शॉर्टकट नहीं होता है। कंपनियों ने बूम मारा है, नीचे आ गई, बूम मारा नीचे आ गई। हमारी कंपनी स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप साहब, कभी भी किसी भी साल का हमारा जो बिजनेस है वो कम नहीं हुआ, बस यही तसल्ली साहब। हम कछुआ चाल से चलेंगे, हमें खरगोश की चाल नहीं चाहिए, लेकिन जीतेंगे एक दिन, हमें ये वादा है। तो दोस्त अगर मेरे साथ आपको बिजनेस करना है, मोदी केयर करना है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा। मेरी इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फेसबुक पेज पर भी मुझे विजिट कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।